नमस्कार भारत 360 को आपण मानको स्वागत करूछि मो बंदिता खबर को आसीबा सरिला 44 घंटार रेस्क्यू ऑपरेशन उद्धार हैला 47 जीवन सेना वायुसेना एवं प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन शेषे शेष होईछि। झारखंड देवघर त्रिकुट रोपवे दुर्घटना परे फसि रहितबा 47 जन लोकंकु उद्धार करा जाईछि। दुई दिन हैला जारी रहितला उद्धार कार्य। ए दुर्घटना रे 3 जनकर मृत्यु होईथिबा बेले अन्य मानकु सुरक्षित उद्धार करिबारे सफल होईछंती जवान। गत काली ठारु जारी रहितबा रेस्क्यू ऑपरेशन राती होइजिबारो ताको अटकाइबाकु पडिथिला। अन्यपटे आज आसी जाइथिबा अन्य 15 जनकु उद्धार करा जाइछि जे माने फसि रहिथिले। तबे फसि रहिथिया पर्यटकंकु उद्धार कार्यरे नियोजित होइथिले सेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आईटीबीपी एवं स्थानीय पुलिस। रविवार रोपवेरे 12टी ट्रली गंतव्य पथरे आगै चालिथिबा बेले हठात 2टी ट्रली मध्यरे टक्कर होइथिला। 800 मीटर तळकु खसि पडिथिला गोटे ट्रली। पहाड़ पाददेशरे पिटी होइ 2 जनक जीवन जाइथिला। आकाशरे झुली रहिले अन्य 11टी ट्रली। फसि रहिथिबा लोकंकु खाद्य एवं पीबा पानी जोगाइबारे नियोजित होइथिला वायुसेनार चेतक हेलिकप्टर। रेस्क्यू ऑपरेशन तदारक करथिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तबे झारखंड देवघर त्रिकुट रोपवे दुर्घटना उपरे सारा देशर नजर। 3 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले 47 जनकु सुरक्षित उद्धार करा जाइछि। फसि रहिथिबा अन्य 4 जनकु उद्धार करबाको प्रयास जारी रहिछि। एबे देखंतु किभळि हेलिकप्टर माध्यमरे रोपवेरे फसि रहिथिबा लोकंकु उद्धार करा जाउछि। प्रथमे फसि रहिथिबा रोपवे ट्रली उपरे समांतराळ स्थितिकु जाउछि उद्धारकारी हेलिकप्टर। यापरे अति सतर्कतार सह जणे जवान ट्रली निकटकु जाउछन्ती। सेथिरे थिबा महिलांकु सेफ्टी रोपरे बांधिबा परे हेलिकप्टर आडकु उठाउछन्ती। हेलिकप्टर सामनाकु आसिबा परे सेठारे थिबा अन्य जणे जवान महिलांकु हेलिकप्टर भितरकु टाणी आणुछन्ती। यापरे फसि रहिथिबा अन्य लोकंकु उद्धार प्रक्रिया आरंभ होइ जाइछि एवं पूरा रेस्क्यू ऑपरेशनर एइ दृश्य एबे क्यामेरारे कैद होइछि। 2000 फुट उपर एक प्रकार मृत्यु मुखरे फसि रहिथिबा ए लोकंकु उद्धारकारी जवान जेउ भली रेस्क्यू करुछंती ताकु सबु महलरु प्रशंसा करा जाउछि। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जो फंसे लोग हैं उन्हें निकालने का काम निरंतर जारी है। हालांकि इस बार लगभग 2 घंटे के बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर चॉपर जो यहां पे उतारा जा रहा है वो पुनः यहाँ पर रेस्क्यू करके जो है लोगों को लेकर पहुँची हुई है। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि 2 लोगों को एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो चॉपर है वो यहाँ पहुँच चुका है और जो लोग हैं इसमें हम उनको आपको दिखाएंगे। एयरफोर्स का जो है ये यहाँ पर पहुँच चुका है चॉपर। इसमें जो वहाँ से जो रेस्क्यू करके लाया गया है वो यहाँ पर पहुँच गया है। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे रेस्क्यू करके लाया गया है और जो लगातार जो है लगभग 2 घंटे के बाद इस बार रेस्क्यू हो पाया है। हवा, तेज हवा के कारण जो बताया जा रहा था कि मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। आप देखिए कि कैसे एनडीआरएफ के जवान हो चाहे यहाँ आईटीबीपी के जवान हो सभी लोग मुस्तैद हैं और तुरंत जो घायल है उसे लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो चॉपर है उस चॉपर में रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी के जी टीम है, इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद है ताकि सुरक्षित सभी लोगों को उतार दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 पर्पल की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहाँ से दे रहा है कि जो अपडेट है यहाँ पे हम आपको हर अपडेट आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक आदमी को भी लाया गया है। ये आर्मी के जवान जो है यहाँ से लेके जा रहे हैं और उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, दिखा ऐसे दिखने में लग रहा है लेकिन डिहाइड्रेट है। इनके साथ डॉक्टर लोग भी, डॉक्टर की टीम है। यहाँ देखिए दूसरा जो रेस्क्यू किया गया है उसे भी यहाँ पर लाया गया है। आप देखिए दोनों को रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा ताकि जो है फिर उसे लेके जाया जाए और सदर अस्पताल जो स्थिति है उसे भी मैं अंदर की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ देखिए डॉक्टर भी मौजूद हैं और इनका तुरंत ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। बहुत घबराए हुए भी हैं लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार 2 घंटे के बाद
बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाया है। दो लोगों को अभी रेस्क्यू करके लाया गया है और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको न्यूज़ 18 पर, जो चॉपर से है लगातार रेस्क्यू का कार्य जारी है और इस समय जो है दो लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों लोग है जो अभी रेस्क्यू होकर आए हुए हैं। कुल अब जो है दो तीन लोग भी बचे हुए हैं टोटल। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार रेस्क्यू का काम जारी है, जल्द ही सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज 18, देवघर। उद्धार पर लोकों देवघर सदर हॉस्पिटल भर्ती करा जो स्वतंत्र डाक्तरी दल से स्वास्थ्यावस्था जांच करने आवश्यक चिकित्सा सेवा भी जोगाई देउछन्ति। वर्तमान सुधा उद्धार होता लोकों स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही डाक्तर सूचना देउछन्ति। के बाद वापस लौटे मरीजों को देवघर सदर अस्पताल में रखा गया है। किन्हीं की स्थिति कुछ खराब होने के कारण उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। एक ही परिवार से पांच लोगों का रेस्क्यू कर आज बाहर निकाला गया, उसके बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। लगातार उनका इलाज चल रहा है। जो देवघर के सीएस हैं वो इनका इलाज यहाँ पर देख रहे हैं, उनका देखरेख करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जो मरीज हैं किस तरीके से उनका समय कटा है, उससे पहले हम सीएस सर से बात कर लेते हैं। सर किस तरीके की स्थिति अभी है जो मरीज वहाँ से आ रहे हैं? अभी जो भी हैं सारे सामान्य स्थिति में हैं और जो पीछे कल जो जनरली सब जो आए हैं थोड़ा सा उसमें वही डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम था। इमीडिएट सबको जो है उतारते ही वहाँ ORS का घोल वगैरह दिया गया और आते ही यहाँ सलाइन सबको लगाया गया। वहाँ भी जो ज़्यादा थे सलाइन की व्यवस्था थी वैन में लगाने के लिए, यदि पीने लायक नहीं है पीने के पोजिशन में नहीं है और अभी सारे लोग जो हैं सामान्य स्थिति में, सभी सामान्य। कुछ लोग हैं जो यहाँ आए हैं गए हैं, सर ने बताया कि सामान्य स्थिति उनकी है, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राकेश कुमार। क्या कैसा क्या था, क्या लग रहा था, खाना वाना कुछ मिल पा रहा था? खाना तो 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं मिला, बहुत ऊँचा पर थे। अच्छा। कोई व्यवस्था नहीं हुआ पहुँच पा रहा था, ड्रोन से नीचे के वाले को मिल रहा था, हम लोग ऊपर पहुँच नहीं पा रहा था। नहीं फिर कैसे कब मिला खाना? खाना जब हम लोग वहाँ से गए हेलीकॉप्टर में तो वहाँ बिस्कुट और पानी मिला। अच्छा, उसके बाद रात का टाइम तो डर लगता होगा? रात के टाइम बहुत डर लग रहा था, हवा बह रहा था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और जब गिरा ऊपर से तो लगा तो हम लोग लगा कि टूट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था साफ है पूरा। हाथ कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं, पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से कितने लोग आप लोग आए थे सर? 8 आदमी हम लोग हैं। 9 आदमी एक ही ट्रॉली में थे सर? नहीं, एक ट्रॉली में 4 आदमी थे, एक ट्रॉली में 5 आदमी। तो 5 आदमी सुबह निकले हैं और कल निकले? हम लोग कल निकले थे 24 घंटा पर। 5 आदमी कल ही निकले थे? हम कल 5:30 बजे निकले थे। तो आपको भी ऐसा नहीं लगा था कि जो और लोग फंसे हुए उनकी क्या स्थिति? उनके लिए हम लोग डर लग रहा था बहुत काफ़ी। कुछ लोग कल निकले थे, कुछ लोगों को रेस्क्यू कर आज बाहर निकाला गया है। ये महिलाएं हैं यहाँ पर जिनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में किया जा रहा है, सीएस लगातार उनको निगरानी में रख रहे हैं। हम यहाँ बात कर लेते हैं महिला से। क्या नाम हुआ दीदी आपका? खुशबू कुमारी। क्या स्थिति था वहाँ जो गए? तो स्थिति तो कुछ बयान नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था हम लोग को। आप लोग आज निकले? हम लोग आज अभी जस्ट आधा घंटा पहले निकले। कैसे मतलब ऊपर कैसे खींचता था कैसे ऊपर? वो बहुत अच्छे से खींचे, जो वो आर्मी के थे वो पूरा सेफ्टी बेल्ट के साथ अंदर से वो हम लोग को वायर पकड़ के एकदम आँख बंद करके ऊपर गए, अच्छे से बोलो हम लोग से। आपके कुछ लोग तो कल ही आ गए थे, आज आप लोग आए तो डर आप लोग को नहीं? हम लोग ही फर्स्ट 2 आए हुए हैं, अभी 3, 2 बच्चा और 1 मेरे हस्बैंड, वो लोग आ रहे हैं अभी। उसमें मेरे सास ससुर अभी हैं ट्रॉली में, वो लोग को निकाला जाए। हम लोग यहीं के हैं, राम मंदिर झोंसा घरी के। हाँ, तो ऊपर रात में तो डर का स्थिति होता होगा? बहुत हवा चल रहा था, बहुत तेज हवा, और जब ज़्यादा हिलता था तो हम लोग को बहुत डर लगता था। तो ये वहाँ की सामान्य स्थिति थी। हालांकि धीरे धीरे सभी को बाहर कर लिया जा रहा है, स्थिति सामान्य होती जा रही है। जैसा कि यहाँ सीएस ने बताया है कि जिन लोगों की स्थिति थोड़ी बहुत ख़राब थी, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की परेशानी आ रही थी, उन्हें दवाइयाँ दे दी गई है और अब सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है। गौरव झा, न्यूज 18, देवघर।